बहुत तेज हो रहे हो हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल नहीं यार। अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो फाइनली इस व्लॉग में आपकी गाड़ी के हमने थोड़े से रिम भी देखने जाएंगे, रिम्स का भी जरा आइडिया लेने जाते हैं गाड़ी के लिए कौन से हमने लगाने कौन से नहीं लगाने वो सब भी करेंगे, और जो कुछ अभी हमने करने वाला है जो हमारा काम पेंडिंग है वो भी दिखाएंगे। और मेहरान की भी अपग्रेड दें आपको, तो मेहरान के पास चलते हैं, आपको बताता हूँ उसका काम कहाँ तक हुआ है और काम तक नहीं हुआ। अब लेना वीडियो के साथ ये चेक करेंगे जी। मेहरान के पिछले डोर कार्ड्स हमने अप्लाई कर दिए हैं, उस साइड वाला भी लग गया, क्या बात है। बट जो फ्रंट वाले हैं ये ज़रा हमने नहीं लगाए अभी, ज़रा अभी दुकान पे ज़रा शॉप पे हमारे पास काम हुआ हुआ है तो इसलिए ये इधर लंबे पैके चिल करी है। तो अभी फर्दर हमने इसके बैक डोर कार्ड्स लगा दिए गाड़ी को, और फर्दर आगे वाले भी डोर कार्ड्स लगाएंगे और बाद में आपको रिजल्ट चेक कराएंगे। और जहाँ तक आज हम बाहर अपने सिविक के पास, तो सिविक के आपको अपग्रेड दें, तो सिविक आपके सामने है, ये देखें कैसी है माशाल्लाह खूबसूरत। अब गाड़ी की आपको पता है एवरेज बड़ी ज़्यादा सही हो गया, तो आपको इसके एवरेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप बाइक लुक चेक करें गाड़ी की, और ये चीज़ चेक करें, क्या बात है कार की बैक से लुक बड़ी को वैसी तरीके की गाड़ी देखे। आर एस भी आ गया हमारा, और फिर जरा मैं आपको इसकी एवरेज के बारे में बताता चलूँ तो जी, तो मैं आपको बताया था इसकी सिविक की एवरेज के बारे में। एवरेज की जहाँ तक बात है एवरेज इसकी अब बहुत अच्छी हो गई, पहले तो बहुत गंदी थी, पहले तो लैंड क्रूजर से भी ऊपर की गई हुई थी इसकी एवरेज, पहले तो बस पेट्रोल ना ये गायब, बस हवा निकल गई खत्म, गुड बाय 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 गया खत्म, पी पू जाती थी। लेकिन अब इसका जो पेट्रोल की हमने इसके जो प्लग चेंज किए हैं, प्लग बहुत गंदे थे जिसकी वजह से गाड़ी की एवरेज बहुत गंदी थी। वो गाड़ी की ब्रेक सर्वे का भी हमें मसला लग रहा था, लेकिन वो सर्वे का मसला नहीं था, तो हमने सर्वे को भी चेक कर लिया था, कुछ दिन उतार के रखा, बाद में गाड़ी सीचे बने दोबारा लगा दी, तो सर्वे की भी हमारे प्रॉब्लम नहीं थी। अब गाड़ी की हमारी फिलहाल एवरेज ओके हो गया। अब जहाँ तक आए मसलों पर, मसले तो आपको बताएं प्रोजेक्ट कार इज ऑलवेज अ प्रोजेक्ट कार, इसके मसले कभी खत्म नहीं होते। जहाँ तक इसके उस पर मसलों पर, तो इसके जो फ्रंट कैलिपर होते हैं ब्रेक के, उन अगले दोनों वालों के डलने वाले रिंग, जब रिंग डल जाएंगे तो हमारे अगले फ्रंट टायर्स और भी फ्री हो जाएंगे, और तब हमारी गाड़ी की एवरेज और भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और आज कल ना इसके, कल मैंने चलाई से आगे से मोड़ के लाया था, तो ना इसको वॉश किया था वगैरह, तो ना इसके ना फ्रंट गियर वगैरह नहीं लग रहा, फ्रंट नहीं कोई भी गियर ना बड़ा हार्डली लग रहा है वो, फिर इसकी क्लच की तार भी नहीं लगेगी, और बाद में गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी। और फर्दर भी सोच रहे हैं कि इसकी सेंसर ओल्ड आउट कराएं, अगर इसको स्ट्रेट पाइप करा दें, वो सेंटर में इसका वो लगा हुआ है कंडेंसर, वो भी बाहर निकलवा दें तो गाड़ी हमारी ओल्ड आउट हो जाएगी। और फर्दर फिर आपको बताते हैं जो जो मेहरान का भी काम करते हैं उसके भी साथ साथ आपको पता है उस पर भी लगे हुए हैं, साथ साथ उसके भी अगले फ्रंट डोर कार्ड्स लगाते हैं, उसे भी कंप्लीट करते हैं गाड़ी को। आपने रहना वीडियो के साथ। फ्यू इंचेस लेटर, तो गाइस यार फाइनली गाड़ी के रिम्स चूज करने आ गए, कि रिम्स का जरा हमने कहा रिम्स का जरा जाकर ना वो आइडिया वगैरह लें, ये चेक करें, अभी साथ से देखते हैं बाद में आपको बताते हैं कि अभी हमें कौन सा पसंद आया, तो आपने वीडियो के साथ। तो गाइस यार एक आपके भाइयों को ये वाला रिम पसंद आया, इसका भी रेट लेते हैं और फर्दर बाद में आपको नेक्स्ट रेट देते हैं। और एक ये पसंद आया ये 13 में है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 13 का ना डालें, हम इसको 14 का ही डालें, तो 14 में वो आप मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये वाला पसंद आया, तो फर्दर मार्केट और डिलीवर करते हैं बाद में आपको दिखा। तो गाइस यार वो रिम देखें तो रिम से अभी कुछ समझ नहीं है, और फर्दर और मार्केट घूमते हैं, साथ साथ आपको विजिट कराते हैं आधे वीडियो के साथ। तो गाइस यार कल फर्दर आपकी गाड़ी के हम रिम्स भी देखने गए थे मॉडल टाउन फैसल टाउन जाके, उधर जाके हमने गाड़ी के रिम्स भी हमें थोड़े से पसंद आ गए थे। पहले हमारा था कि हम 14 में डालें यार इसको, 14 का साइज बांधें, हमने कहा नहीं 14 नहीं, हमने ज़रा गाड़ी आपको पता हमने डिसेंट रखनी थी शोक कंडीशन में, तो हमने कहा जो इसको पहले टायर इसके शोक लगे हैं 13 के, उसके अंदर ही फिर हमने कुछ सा रिम चूज़ किया अपना। और फर्दर आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता अभी और भी बड़ी गाड़ियाँ लगी हैं, इनको साथ साथ क्लियर करते बने आपकी गाड़ी को रिम लगाते हैं खास आप लोगों के लिए, आपने वीडियो के साथ रहना। तो गाइस यार अभी ये एक आल्टो आई है हमारे पास, इसके भी थोड़े मोटे काम है, इसका भी इंजन का काम हुआ है, और अब फर्दर इसका पेंट का काम रहेगा, जैसे कि आप छोटी मोटी चीज़ें देख सकते हैं। और बैक पे आ जाएँ तो उसके आप ये देख सकते हैं, ये डोर पे इधर से कलर इसका फेड हुआ हुआ है, और फर्दर ये आप देख सकते हैं ऊपर वाला ये पैनल से, और बाद में पीछे पूरा फेंडर पर आ रहा है, और बाद में अगर हम पीछे आ जाए तो इसका आप ट्रंक पर भी देख सकते हैं, ट्रंक का भी ऊपर से फेंडर से कलर फेड है, तो ये भी कलर होगी बाद में गाड़ी पेंट होती है, बाद में भी आपको इसका रिजल्ट चेक कराते हैं, और भी इसके छोटे मोटे जो काम करने हैं वो सारे करते हैं, आपने वीडियो के साथ रहना। तो गाइस यार ये माशाल्लाह से ये पीस चेक करें आप यार, ये क्या सेविक है माशाल्लाह से, गाइस यार टोटल जेन्युइन है, ऊपर से अपने मॉडल के हिसाब से तो ये बहुत ही लशपश पीस है माशाल्लाह से, ऊपर से फुल ऑप्शन गाड़ी है, ये चेक करें विद सनरूफ के साथ है। अभी आपका भाई इसकी ड्राइव लेके आया, तो गाइस यार फुल मक्खन मलाई बहुत अच्छी गाड़ी है, अभी इसका वो जो ड्राइव करके आए उसकी क्लिप भी मैं बीच में ऐड कर दूँगा।
ये अब गाड़ी क्या करें, इसकी भी थोड़ी सी मिसिंग आई थी, तो वो क्लियर होने के लिए आई है। वो बाद में अंदर चलें तो मेहरान हमारी चली गई हुई है, तो मेहरान हमारी चली गई हुई है, मेहरान भी हमारी उधर क्या कहते हैं शॉप पे, उसके भी आज फाइनली डोर कार्ड्स लग जाएंगे। और हमारी वो आल्टो भी पेंटर के पास है, वो भी पेंट का काम हो रहा है उसका, तो उधर भी चलते हैं, वो गाड़ी का भी आपको चेक कराते हैं आपने वीडियो के साथ साथ। तो ये चेक करें यार, इसका भी फेंडर खराब था, इधर भी इन्होंने एक कोट पेंट वगैरह पुटीने वगैरह लगा के सब कुछ मांझ मूंझ के इसको भी एक कोट लगा दिया, और पीछे वाला डोर भी देख लें आप, और इधर से जो कलर फेड हुआ था ये सारा भी ओके कर दिया। ये चेक करें गाइस यार, ये सारा इधर भी कोट लग गया। तो गाइस यार, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक से। आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।